ये बोलो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। सारे तीज त्योहार आनंद के साथ मनाए जाएंगे। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर क्या बहनों ने अपनी राखियां बांधी, दोनों हाथ कम पड़ गए। सबको प्रणाम करता हूं, सबका आशीर्वाद मांगता हूं। मंच पर विराजमान यहां के अभी नए हमारे प्रभारी मंत्री, जुझारू प्रभारी मंत्री, काम करने वाले कल से आए, तीनों विधानसभा में घूमे, जोरदार अभिनंदन करो माने दिलीप अहिरवार जी का, प्रभारी मंत्री जी का। एक और दिलीप है, रघुकुल रीत सदा चले आई, दिलीप तो हम तब से जानते हैं। यह हमारे दिलीप जायसवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो दिलीप जायसवाल जी का। मेरे साथ पास के जिले की प्रभारी मंत्री हमारी सतना की बेटी श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का अभिनंदन करो। एक और मंत्री है यहाँ, आपके यहाँ तीन नदियों की त्रिवेणी है, माँ नर्मदा, माँ सोन और तीसरी जोइला। जोइला, जोइला माता का, ये जो यहाँ का प्रताप है। हमारे पास भी तीन मंत्री है यहाँ पे, ये त्रिवेणी विकास का संकल्प करके आई। हम सबके वरिष्ठ नेता, यहाँ के विधायक सम्माननीय बिसाऊलाल जी का अभिनंदन करें। माननीय बिसाऊलाल जी हमारे माननीय विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री, बहुत अनुभवी। रामलाल रोतेल जी, कोल समाज के हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन करो रामलाल कोल साहब का। ए रामलाल रोतेल साहब, मैंने वो कोल समाज का आपका बना हुआ है ना बोर्ड। रामदास पुरी जी, यहाँ की जयसिंह नगर की हमारी जुझारू विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, कहाँ है मनीषा जी, जोरदार अभिनंदन मनीषा जी का। हमारे अपने साथ वरिष्ठ नेता विकास प्राधिकरण मध्यप्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष विनोद घोटिया जी, उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत। मिथिलेश जी और हमारे जय सिंह मरावी जी, कहाँ है जय सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो मरावी जी का, जोरदार ताली बजा के। हमारे जेतपुर के जय सिंह मरावी जी, पूरा मंच भरा पूरा, सबके लिए अभिनंदन करिए, सबका स्वागत। मेरे पास थोड़ा सा समय का चक्कर पड़ा, पहले तो लगा कि आप आना होगा या नहीं होगा। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी करना पड़े लेकिन अनूपपुर आने की इच्छा कौन छोड़ सकता है। आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी उपस्थिति लगाने के साथ आपके लिए सरकार के माध्यम से हमारा और आपका जो संबंध बना है, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। हमने ये तय किया कि संक्रांति, गुड़ी पड़वा, गुरु पूर्णिमा और अब ये रक्षाबंधन, इसके पीछे पीछे कन्हैया, जय कन्हैया लाल भी आ रहे हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। लोग कहते आप तीज त्योहार क्यों मनवा रहे हो, आप धर्म की बात क्यों कह रहे हो। हमने कहा हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे। तुम्हारे पास तो है नहीं कुछ कहने के लिए। जिस दिन से हमारी सरकार बनी उस दिन से कह रहे हैं ये मोहन यादव जी की सरकार बनी, ये योजना बंद हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी, किसान सम्मान निधि बंद हो जाएगी। अरे एक भी योजना बंद नहीं होगी, डंके की चोट कान खोल के सुन लो, जितनी योजना चल रही है वो सब चलेगी, बल्कि उससे बढ़कर के। अभी 10 तारीख के दिन हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में 250-250 रुपए की राशि डाली कि नहीं डाली, जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के खाते में आने वाली राशि के लिए। और उतने ही नहीं, जिनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला वो सारी बहनें और लाडली बहनें जिनके नाम पर जिस दिन पंजीयन हुआ उनका कनेक्शन का नाम था, ऐसी 40,00,000 बहनों के खाते में 450 रुपया प्रति बहन सबके खाते में पैसा डाला गया। अपनी बहनों की जिंदगी में अगर 2 पैसे देते हैं तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा काम होता है। मुझे आज थोड़ा समय कम मिल रहा है, मुझे भी जल्दी जाना है,
लेकिन मुझे लगा कि अपनी बहनों के साथ अगर रक्षाबंधन मनाए यह हमारा सौभाग्य होना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में बहनें आई, लेकिन आपने सबने जो आशीर्वाद दिया है, आप सबको प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद यहीं से लेता हूं। कितनी बड़ी राखी, 50-50, 100-100 फीट की राखी। प्रेम का मतलब दो धागे का प्रेम। रक्षाबंधन का त्योहार हमारे सारे त्योहारों के राजा है। सावन का महीना आते ही बहनों की आंखों की चमक बढ़ जाती है, उमड़ती घुमड़ती घटाएं जब आती है और सावन जब बरसता है, बहनों के मुंह से अपने मायके में भाई सहित सब परिवार वालों के लिए और ससुराल वालों के लिए जो दुआएं मिलती है, वो दुआएं भगवान भी खुश होकर के बरसात के रूप में हमको देता है। ये आशीर्वाद बहनों के बल पे मिलता है। ऋतुओं में इसीलिए सावन मनाया जाता है। हमारा रक्षाबंधन ये पावन आपसी संबंध का, बहनों और भाई के रिश्ते का, परस्पर प्रेम का, सह अस्तित्व की भावना का अद्भुत त्योहार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन यहां जब आया हूं तो कई सारे निर्माण कार्य भी यहीं पर आज लोकार्पित होने का मौका मिला है। मुझे बताया गया है कि यहां अपने इसी स्थान पर 201 विकास कार्य के लिए 96,69,00,000 के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। जोरदार अभिनंदन करिए, अपने लिए लगभग 100 करोड़ के काम मान के चले ये सारे काम जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। और इसके अलावा 81,54,00,000 से 176 करोड़ का भी आज यही लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करिए, जिनके माध्यम से ग्राम सड़क योजना के लिए 23,02,00,000, पंचायत ग्रामीण विकास के 12,24,00,000 के विभिन्न मार्गों का निर्माण, नालों का निर्माण, 15,63,00,000 की लागत से जल जीवन मिशन की सभी योजनाएं, 11,40,00,000 की लागत से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलई, बेनीबारी और अनुविभाग राजस्व पुष्पराजगढ़, इनका सबका भी लोकार्पण यहीं से हुआ। जोरदार अभिनंदन करिए अपने कामों के लिए। और जिनका भूमि पूजन हुआ है 15,14,00,000 की लागत से, नए 25 काम 1,07,00,000 की लागत से विभिन्न आंगनबाड़ियां, 5,40,00,000 की लागत से मल्टीपर्पज सेंटर का निर्माण, 4,04,00,000 की लागत से जूनियर आदिवासी बालक छात्रावास का निर्माण, सरवाई का भूमि पूजन यही किया है। और लपटा, देवरी, धनगवा, खूटा टोला, लीला टोला, ऐसे सभी स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 4,62,00,000 की लागत से इनके यहाँ पर भूमि पूजन हुए हैं। जोरदार अभिनंदन करिए अपने इन सारे कामों को लेकर के। मैं जब यहाँ खड़ा हो रहा था तो हमारे माननीय विधायक सबने सामूहिक रूप से कहा कि हमारे अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का भवन नहीं है, इसकी भारी दिक्कत है। तो हमने कहा दिक्कत की क्या बात है, आपने मांगा और हमने दिया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का नया भवन मध्यप्रदेश सरकार की ओर से बनाने की मैं घोषणा करता हूं। यहां मुझे बताया गया कि कोतमा में 100 बिस्तरी हॉस्पिटल की आवश्यकता है। दिलीप जायसवाल जी ने मांगा, जरा ताली वाली बजाओ तो मालूम पड़ेगा, मैं देने की घोषणा करता हूं। ये 100 बिस्तरी हॉस्पिटल भी आपको देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि कोतमा में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को बैठने के लिए जगह नहीं है, सब डिवीजन ऑफिस हो गया है। तो मैंने कहा कि इसके लिए भवन बनाने की घोषणा की जाती है, हर एक विभाग के लोग अच्छे से काम कर सके, ये सरकार की आवश्यकता है। बिजुरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करना है, इसके उन्नयन की भी घोषणा की जाती है। जरा आनंद आना चाहिए, लगता है कि हमारे अपने विकास के कामों में बिजुरी उप तहसील को तहसील बनाने की आपने मांग की है। तो अगली बार बिजुरी में हुआ
अभी यहीं से बिजरू को तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। राजा कछार जलाशय का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। मैं यहीं से इस बात की घोषणा करता हूं, राजा कछार जलाशय भी बनाया जाएगा। कटकोना से उरा मार्ग 3 किलोमीटर, इसकी लागत 428 लाख, लगभग 5 करोड़ रुपया, इसको बनाने की भी घोषणा हमारे द्वारा की जा रही है। नेशनल हाईवे 43 कटनी गुमला चांडिल मार्ग से ग्राम पथरोड़ी मार्ग में 2.80 किलोमीटर सड़क की भी बनाने की आपने मांग की है, मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। हैं? अरे वाह, जोरदार ताली बजा जेतपुरा के लिए। आपने एक ही कैंपस में हायर सेकेंडरी भवन, नवीन महाविद्यालय भवन, बनगवा राजनगर, किसका है राजनगर? आप ही का है। और इनको बनाने के लिए राशि मांग की है, भलबुड़ी से राजनगर तक। सब एक ही बार में ले लोगा? अगली बार भी तो लेना भाई। इसका परीक्षण करके इसमें भी आगे काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि यहां ऑडिटोरियम नहीं है। अरे अनूपपुर मां नर्मदा का जिला, और यहां पर सत्संग करने के लिए, कोई अच्छे प्रवचन करने के लिए ऑडिटोरियम, ये शब्द जमा नहीं। ऑडिटोरियम तो बनेगा, लेकिन इसको गीता भवन की तरह चलाया जाएगा। गीता भवन बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे साधु संत आए, आनंद से अपनी बात कहे, हमारी परंपरा तो उवाली है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा के आपके यहाँ गीता भवन भी बनाया जाएगा। पूरे साल आप आनंद करें, सभी प्रकार की चीजों को लेके चलें। मुझे बताया गया है कि अनूपपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना था, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। डॉक्टर के लिए भी आपने कहा है, मेडिकल कॉलेज 75 थर्ड फेज में। अनूपपुर में मेडिकल कॉलेज चाहिए है क्या? है चाहिए? हाँ चाहिए कि ना चाहिए, पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या कह रहा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के लिए शायद डिमांड आ रही है, तो हम जमीन उपलब्ध करा करके उनके सहयोग से मेडिकल कॉलेज भी बनाने की घोषणा की जाती है। हवाई पट्टी, आपने कहा कि हवाई पट्टी की जरूरत भी है, अब एक ही बार में मत लो, अगली बार भी तो लेना है। मैं इसका परीक्षण कराने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करता हूं, ताकि ये परीक्षण कर लेंगे तो भविष्य में आपका विमानतल भी बनाया जाएगा। बहुत सारी बातें, अब इतनी सारी बात तो नहीं करेंगे, आने वाले समय के लिए भी गुंजाइश रखते हैं। अभी अनूपपुर में बस स्टैंड नहीं है, तो यहां आपके यहां अलग अलग प्रकार से मांग रही, जिला स्थान का केंद्र है, ऐसे में बस स्टैंड का नहीं होना ये कहीं कष्ट देता है, तो मैं अपनी तरफ से यहां बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा करता हूं। लेकिन मुद्दे की बात, रोजगार के साधन, हमारे अपने ग्रामीण कुटीर उद्योग की बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी थी अभी अलग अलग प्रकार से, और यहां मुझे बताया गया है कि कोदो कुटकी अलग अलग प्रकार की फसल के बहुत सारे अलग अलग आइटम भी बनते हैं, तो सभी प्रकार के मामलों को लेकर हमारी सरकार की पहली प्रायोरिटी है सबसे पहले रोजगार, स्वरोजगार, अपने बलबूते पर लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाना। इसलिए पूरे देश के हर महानगर नगर में जा रहा हूं, और युवाओं के लिए
रोजगार के अवसर तलाश करना और उनकी व्यवस्था करना, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए प्रयास किया है, जबलपुर, उज्जैन, इसी महीने ग्वालियर, अगले महीने सागर, उसके बाद रीवा, प्रत्येक संभाग में हर जिले के अंदर हमारी औद्योगिक इकाई बने, आईटी पार्क बने, रोजगार के अवसर मिले, हमारे लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए, यही चाहिए। जब बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, तो अब रोजगार के साधन चाहिए कि नहीं चाहिए अपने सारे लोगों को? इसलिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि आप मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर वन का प्रदेश बनेगा। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। और हमारी जीडीपी में अपना योगदान, हमारा 3.5 लाख करोड़ का विकास का बजट क्रमशः चरणबद्ध होते हुए 5 साल के अंदर ये 7 लाख करोड़ का होने वाला है। 7 लाख करोड़ का अकेले अपने जनजाति विभाग के अंदर इसी साल बजट को 25% हमने बढ़वाया है और लाडली बहनाओं के खाते में 18,000 करोड़ की राशि रखने के लिए, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास का बजट 81% का अनुदान हमने बढ़ाया, उसमें 81% बढ़ाया। प्रयास है हर विभाग के लिए, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, चारों प्रकार की जो जातियां माननीय प्रधानमंत्री ने बताई है, चारों वर्ग के विकास के लिए, किसान, गरीब, युवा, महिला, सबका जीवन बेहतर से बेहतर बने। मां नर्मदा के किनारे की बात अभी ने आपने नहीं कही है, मां नर्मदा को लेकर के भी हमने योजना बनाई है। बहुत जल्दी मां नर्मदा के परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए भी घाट निर्माण, छाया के स्थान और अन्य क्षेत्र इत्यादि बनाने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। ये विकास का संकल्प करने वाली सरकार है। हम और आप मिलेंगे, मध्य प्रदेश को एक नए रूप में ले जाने का संकल्प करेंगे। आज के इस अवसर पर, आने वाली रक्षाबंधन के त्योहार पर, आप और जितनी बहनें बैठी है, आपके सबके खाते में पैसे आ गए, आप उस पैसे से कोई अपनी मिठाई खरीदे, कपड़े खरीदे, जो मर्जी आप बच्चों के खिलौने लें, और आप 19 तारीख को जब अपने भाई को तिलक लगाओगी तो मैं मान के चलूंगा कि मुझे तिलक लग गया, सरकार को तिलक लग गया, या आशीर्वाद आपका मिल गया। सभी बहनों का आशीर्वाद बना रहे, और आने वाले 26 तारीख को हमारे मथुरा के किनारे वाले जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे भगवान राम, तो भगवान कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? उनका भी आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाली जन्माष्टमी सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। त्योहार आनंद से मनेंगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और बहुत सारे अलग अलग उस समय के कामों की घोषणा भी बहुत जल्दी होने वाली है। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर अनूपपुर और अनूपपुर वासियों का बहुत बहुत आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचन के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ हमारे हितग्राहियों को आप अपने शुभ कर कर्मों से लाभान्वित करें। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आश्वासन प्रमाण पत्र के लिए कुमारी इवांसी राठौर। इन्हें हितलाभ 1,43,00,000 रुपए का प्रदान करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत श्रीमती रिद्धिमा कुशवाहा को 5,000 का हितलाभ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह बैंक लीकेज गायत्री स्व सहायता समूह सिवनी को 2